हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्यूटर टिप्स एंड प्रोग्रामिंग। तो ये है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का लेक्चर 6, जहां पर हम जानने वाले हैं इंटरफेस के बारे में। क्लियर? तो इंटरफेस क्या होता है उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे, उसके बारे में बताऊंगा। उसके पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि इसके पहले मैंने एब्स्ट्रैक्ट बताया है, और एब्स्ट्रैक्ट से ये 50% रिलेटेड होता है, थोड़ा सा बस थोड़ा डिफरेंस होता है। तो अगर आपने अब तक ये वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के देखिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट करके बताना कैसा लगा। तो अगर आपने एब्स्ट्रैक्ट किया है तो आपको और अच्छे से समझ में आए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। बस थोड़ा सा इसमें चेंजिंग आने वाला है, वो भी कुछ खास नहीं होगा, आपको अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको याद होगा जैसे कि यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट हम लगाते हैं, उसी तरह यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंटरफेस लगाने वाले। जैसे यहाँ पर अब एब्स्ट्रैक्ट लगाए हैं, उसी तरह हम इंटरफेस लगाएंगे। मगर चेंज प्रॉब्लम इसमें चेंज क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट में क्या क्या होता था कंपेयर करें। एब्स्ट्रैक्ट में मैंने बताया था कि क्या होता है, एक पेरेंट होगा और एक चाइल्ड होगा। मतलब कि चाइल्ड जो होगा वो एक सिंगल पेरेंट से ही ले सकता है अपना जो भी प्रॉपर्टी लेना होगा और शो करना होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर चाइल्ड क्या करेगा, एक से ज्यादा पेरेंट भी होंगे तो उन सबसे अपना प्रॉपर्टी लेकर के और जो भी करना हो कर सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। चलिए इसको पहले हटाता हूँ और शुरू करता हूँ मैं। तो पहले बताता हूँ आपको क्या होता है, चलिए वो समझते हैं। मान लो कि तीन पेरेंट हैं, तीन पेरेंट थोड़ा ज्यादा हो गया, दो ही रखते हैं, ज्यादा मत सोचो, टॉपिक पे ध्यान दो। तीन पेरेंट्स हो, ठीक है, तीन पेरेंट्स हो गए, और ये हो गया क्या, एक डी, ये हो गया चाइल्ड। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, इसमें प्रॉपर्टीज डिफाइन नहीं होता है। उसमें हम प्रॉपर्टीज डिफाइन करते थे, लेकिन यहां पर क्या होता है, यहां पर प्रॉपर्टीज डिफाइन नहीं होता इंटरफेस में। मतलब कि जो एबीसी पेरेंट्स हैं, यहां पर प्रॉपर्टी क्या होगा, प्रॉपर्टी नो प्रॉपर्टी लिख देता हूं मैं। ठीक है, यहां पर प्रॉपर्टी नहीं रहेगा, लेकिन यहां पर मेथड रहेगा। ठीक है, नो प्रॉपर्टी बट मेथड, चलिए यहां पर रहता हूं, नो प्रॉपर्टी होगा। उसके बाद करता हूं क्या, मैं कॉमा देता हूं, मेथड होगा। ठीक है, मेथड यहां पर रहेगा। अब मेथड में क्या होगा, मेथड को तो डिक्लेयर करेंगे लेकिन इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। तो डिक्लेयर कर देता हूं मैं, यस, बस ये समझने के लिए एक छोटा सा बता रहा हूँ, स्केच लिख रहा हूँ और कुछ नहीं है। और इम्प्लीमेंट के जहाँ पर कर देंगे इम्प्लीमेंट, तो इम्प्लीमेंट कर दूंगा मैं नो। क्लियर, इस पर ध्यान देना क्या हो रहा है, प्रॉपर्टी क्या होगा, नो होगा। इसमें किसी भी क्लास में प्रॉपर्टी होता था पहले, हम जो भी देखे थे तो प्रॉपर्टी हम लगाते थे, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर्टी नहीं होगा। यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा मेथड। तो मेथड भी क्या होगा, डिक्लियर होगा, लेकिन इम्प्लीमेंट क्या होगा, नहीं होगा। अब इम्प्लीमेंट ये सब कैसे होगा, ये होगा आपके ड्राइव क्लास के थ्रू, ये चाइल्ड जो होगा चाइल्ड क्लास है उसके थ्रू होने वाला है। ठीक है, अब इसमें क्या होता था, ये चाइल्ड क्लास है, ये तीनों का प्रॉपर्टी ले सकता है, ए बी और सी का। ये होता है इंटरफेस में केस। लेकिन पहले हम जो पढ़े थे एब्स्ट्रैक्ट, उसमें क्या होता था, उसमें बस एक पेरेंट होता था और एक चाइल्ड होता था। ठीक है, तो यहां तक तो आप समझ गए कि क्या हो रहा था। अब हम चलते हैं अपने कोडिंग पर, कि कोडिंग में समझते हैं कि और कोडिंग में आगे क्या होता है। तो कोडिंग लिखते हैं पहले, तो चलिए शुरू करते हैं उसको। तो ये मैं करता हूँ कमेंट आउट कर दो इसको, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चलो हटाओ इसको, शुरू करते हैं। क्लियर, तो यहाँ मैंने लिखा पीएचपी का सिंटेक्स। अब हमारा सबसे पहला काम क्या होता था, क्लास लेना। ठीक है, तो मैं यहाँ लेता हूँ क्लास, इंटरफेस लेता हूँ यहाँ पर। क्लियर, इंटरफेस मैंने ले लिया, इंटरफेस क्लास, और यहाँ पर क्लास हम नहीं लिखेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट क्या करेंगे, इंटरफेस और क्लास का नेम लिखेंगे। तो क्लास का नेम क्या हो जाएगा मेरा, कुछ भी ले लेता हूँ, तो पेरेंट फर्स्ट, पेरेंट वन ले लो क्लास का नेम। पहले क्या करते थे, पहले हम क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास में लिखते थे, अब यहाँ पर क्या होगा, इंटरफेस क्लास नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट इंटरफेस लिखेंगे और पेरेंट का नाम लिखेंगे। क्लियर, उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद हम यहाँ पर फंक्शन डालेंगे। तो मैं क्या बताया था, यहाँ पर हम क्या नहीं डाल सकते, यहाँ पर हम प्रॉपर्टी नहीं डालेंगे, अब सीधे जाते हैं मेथड को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो डिक्लेयर इसमें नहीं करेंगे, सिर्फ क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए समझते हैं इसको कि कैसे होता है। तो यहां पर मैं लिखता हूं फंक्शन। एक चीज मैं आपको यहां और बताऊंगा, यहां मैंने फंक्शन लिखा क्लियर, और इसका देता हूं मैं एडिशन, करता हूं सब, लिखता हूं इसको सम, सम लिखो क्योंकि हमें इसको जोड़ना है। यहाँ पर मैंने इसमें मेथड लगाया सम, दो वेरिएबल लेता हूं मैं, तो डॉलर ए कॉमा, सॉरी यहां पर
डॉलर ए, ठीक है, कॉमा यहाँ लिख दिया मैंने डॉलर बी। यहाँ तक तो क्लियर है सबको, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। यहाँ पर लगाता हूँ मैं सेमी कॉलन, सी से क्लोज करता हूँ, क्लियर। अब देखो यहाँ पर, आप यहाँ पर अगर मैं, चलो इसको पहले करता हूँ सेव एंड इसको करता हूँ मैं रन, तो क्या होता है, मतलब यहाँ रिफ्रेश करके देखता हूँ क्या होता है। तो रिफ्रेश किया मैं, तो यहाँ तक तो सब सही है। लेकिन आप जी यहाँ पर नोटिस करो, अगर यहाँ पर मैं फंक्शन के पहले प्रोटेक्टेड लगा दूँ, ठीक है, प्रोटेक्टेड, तो मैं डिफरेंस इसलिए लेकर चल रहा हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। तो यहाँ पर अगर मैं प्रोटेक्टेड रखूंगा तो देखो यहाँ पर रेड दिख रहा है, मतलब एरर जा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं अगर पब्लिक रखूँ तो ये बात याद रखना है कि जब भी आप इंटरफेस करते हो तो फंक्शन क्या होगा आपका, पब्लिक हो सकता है लेकिन क्या होगा, वो प्रोटेक्टेड नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो देखो मेरा आंसर से, मतलब आउटपुट सही जा रहा है। तो पब्लिक डिफॉल्ट होता है, पब्लिक लिखो चाहिए ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं नहीं लिखूंगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा और मेरा कोड सही भी दिखेगा, क्लियर। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब यहाँ भी क्या होता है कि यहाँ भी हम ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, यहाँ भी ऑब्जेक्ट हम डायरेक्ट नहीं ले सकते, जैसे वहां पर होता था कि ऑब्जेक्ट हम डायरेक्ट नहीं ले सकते, मतलब डायरेक्ट उसको किसी भी क्लास के लिए नहीं दिखा सकते, यहाँ भी सेम रूल है। तो यहाँ तक तो हो गया। अब मैं लेता हूँ दूसरा पेरेंट, क्लियर। तो ये मेरा एक पेरेंट हो गया, तो इसको मैं करता हूँ कॉपी एंड देन यहाँ करता हूँ मैं पेस्ट, हो गया। अब यहाँ करता हूँ मैं पेरेंट का नाम चेंज, तो पेरेंट टू हो गया मेरा। और ये करता हूँ सब्ट्रैक्शन करूंगा, ये आप जो चाहे वो रख सकते हो पैरामीटर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो मैं पैरामीटर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, लेकिन पैरामीटर अगर सेम भी रहेगा तो आपका आंसर चेंज नहीं आने वाला है, गलत नहीं होगा, क्लियर। मगर पैरामीटर रखना जरूरी है, ये कंपलसरी है। आप नहीं रखोगे, कहने का मतलब ये है कि यहाँ जितना पैरामीटर रहेगा और आप चाइल्ड क्लास में जब दोगे दोगे फंक्शन के साथ, तो वहां भी पैरामीटर उतना ही रहना चाहिए। अगर इसमें डिफरेंस आ गया तो क्या होगा, आपका आंसर चला जाएगा गलत, क्लियर। तो चलिए यहां तक तो क्लियर हो गया आपको। अब आते हैं अपने नेक्स्ट में। अब करते हैं हम क्या, अब एक और क्लास क्रिएट करते हैं जो मेरा चाइल्ड क्लास होगा। तो यहां मैं करता हूँ चाइल्ड क्लास को क्रिएट, तो यहां पर करता हूँ मैं क्लास, सबसे पहले क्लास हो गया मेरा, ओके। तो ये मेरा हो गया चाइल्ड क्लास, तो यहां लिख दूं या फिर रहने दो, चलो रहने देता हूँ। तो मेरा हो गया चाइल्ड। अब इसको करता हूं मैं क्या, इम्प्लीमेंट। वहां पर क्या करते थे, एक्सटेंड्स करते थे, अब यहां पर हम करेंगे क्या, इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इम्प्लीमेंट्स मैंने कर दिया। अब किसको किसको करना है, तो मुझे करना है पेरेंट वन को और पेरेंट टू को। तो इसको मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ करता हूँ मैं इसको पेस्ट, ओके, थोड़ा सा गलत हो गया, कोई बात नहीं। तो इसको करता हूँ मैं कॉपी, क्लियर, देन यहाँ करता हूँ पेस्ट कॉमा एंड देन इसको भी करता हूँ मैं कॉपी एंड यहाँ करता हूँ मैं इसको पेस्ट। तो दोनों पेरेंट्स को मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया, क्लियर। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ लेता हूँ मैं कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस लेने के बाद यहाँ भी आपको रॉन्ग का मैसेज आ रहा है, लेट्स सी क्या होता है। यहाँ चेंज कर देखते हैं, चाइल्ड क्लास, ओके, कुछ तो प्रॉब्लम आ रहा है, बट इट्स ओके, वी विल सी। तो यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर बनाते हैं फंक्शन। तो फंक्शन बनाने के लिए वही अपना है सेम फंडा, तो यहाँ लिखो फंक्शन, ओके, फंक्शन लिया मैंने एंड पब्लिक लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि वो डिफॉल्ट लेता है। तो सबसे पहला मेरा क्या है, यहाँ पर मेरा है सम, तो चलो यहाँ पर लेता हूँ मैं सम मेथड को लेता हूँ एंड देन यहाँ पर कोई भी वेरिएबल ले लेता हूँ, तो मैंने ले ली यहाँ पर क्या। तो यहाँ भी आप चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ मैं चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझने में और आसानी हो, तो यहाँ रखता हूँ जी एंड देन यहाँ रखता हूँ मैं डॉलर एच, क्लियर। यहाँ तक तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ मैं फिर करूंगा क्या, कर्ली ब्रेसेस एंड देन अगेन यहाँ पर एको, मुझे क्या करना है, सम करना है, तो एको देन डॉलर ए कर दो या भी कुछ भी कर दो। तो यहाँ मैं क्या रखा हूँ, डॉलर जी प्लस डॉलर एच, तो डॉलर जी प्लस डॉलर एच, क्लियर, कोई दिक्कत। तो चलो यहां तक तो हो गया मेरा। अब यहां पर क्यों रॉन्ग आ रहा है वो थोड़ा सा समझना होगा मुझे कि क्या ये कहना चाहता है, ऐसा रॉन्ग क्यों दे रहा है, देखेंगे। क्लास ठीक है, चाइल्ड इम्प्लीमेंट ठीक है मेरा, पेरेंट भी ठीक है, पेरेंट वन पेरेंट टू भी ले लिया मैंने, कोई बात नहीं। अब दूसरा हम लेते हैं, क्लियर। तो दूसरा फिर से ऐसे ही एक लंगवा में, तो ये मेरा हो गया फंक्शन, इसको मैं करता हूँ कॉपी अगेन
एंड यहाँ पर अगेन करता हूँ मैं इसको पेस्ट, ओके, एंड देन यहाँ पर करता हूँ सम है मेरा, सॉरी ये सब करता हूँ इसको मैं, यहाँ पर क्या था सम था, तो इसको भी मैं करता हूँ यहाँ पर सम, ठीक है। देखो अब से ये यही मेरा रॉन्ग, मैं सोच रहा था कहाँ पर गलत जा रहा है, तो ये सम था, तो यहाँ भी मेथड को मैंने यहाँ फंक्शन को सम किया मेथड को, एंड देन यहाँ पर क्या किया मैंने, यहाँ पर जो मुझे प्रिंट कराना है जो वैल्यू मुझे लेना है सम का वो मैंने कर दिया। अब यहाँ पर प्लस है और एक मैं करता हूँ सब्ट्रैक्शन के लिए, यहाँ पर क्या करता हूँ माइनस, तो चलो माइनस हो गया, इसको भी चेंज कर दो, जी एच कुछ भी रख सकते हो, बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा इसलिए जैसा है वैसा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाला, क्लियर। अब क्या करेंगे हम, अब हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। तो यहाँ तक देख लो, यहाँ तक सब सही जा रहा है, तो डॉलर टेस्ट मैं आपको बताऊंगा आगे जा करके और समझाऊंगा इसको अच्छे से। तो यहाँ क्या करना है मुझे, अब लेना है न्यू, अगर यहाँ भी मैं क्या करूँ पेरेंट वन पेरेंट टू करूँ तो क्या होगा मेरा ये भी फिर चला जाएगा रॉन्ग में चला जाएगा। तो न्यू लेता हूँ मैं यहाँ चाइल्ड क्लास, तो मैंने यहाँ पर चाइल्ड क्लास ले लिया और इसे यहाँ पर मैं करता हूँ क्लोज, क्लियर। एंड देन मुझे अब क्या करना है, अब मुझे निकालना है इनका वैल्यू, तो जो भी मेरा सम है तो मैं वेरिएबल को यहाँ लेता हूँ अपने वेरिएबल को, और मेरा मेथड है तो मेथड को यहाँ अप्लाई करता हूँ, तो मेथड को अप्लाई किया मैंने, सॉरी मेरा मेथड है सम, तो मैंने सम मेथड को अप्लाई किया यहाँ पर, और कोई भी दो मैं डिजिट ले लेता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ दो डिजिट ले लो कोई भी, 20 ले लो और प्लस ले लो 35, ओके। तो ये आपका अभी भी रॉन्ग जा रहा है, वाई इज दिस, ओ सॉरी यहाँ पर तो नहीं जोड़ेंगे ना, यहाँ पर तो बस कॉमा रहेगा क्योंकि हमने तो यहाँ पर ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है, एक यहाँ पर अपने मेथड को क्या करना है, मेथड के साथ ये वेरिएबल ले लिया और उसे प्रिंट भी करा दिया कि क्या करना है मुझे, सम करना है क्या करना है। तो यहाँ तक तो हो गया, अब इसको करते हैं सेव एंड लेट्स सी आपका आउटपुट क्या आता है। तो यहाँ मैं करता हूँ और देखो आपका 55 आ गया, मतलब आपका आउटपुट क्या गया, सही गया। तो ये तो सम के लिए हो गया, अब यहाँ लेता हूँ मैं कॉपी करता हूँ एंड यहाँ करता हूँ पेस्ट, ये सम के लिए हो गया था मेरा, अब करता हूँ मैं सब्ट्रैक्शन के लिए, तो लीजिए सब के लिए मैंने कर दिया एंड सेव इट और रिफ्रेश करो, तो देखो दोनों आ गए। अब ये माइनस आ रहा है तो वो इसलिए आ रहा है क्योंकि देखो आप यहाँ पर जो बड़ा है तो बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो क्या होगा, सॉरी छोटा से बड़ा घटाएंगे तो माइनस ही आएगा ना। तो यहाँ पर अगर आप चेंज कर देते हो पैरामीटर को, अगर यहाँ पर मैं कर दूँ कितना, लेट्स सी यहाँ पर मैं कर देता हूँ 13, तो अब देखो आपका 7 आएगा, तो इसको सॉरी इसको सेव करो एंड देन यहाँ पर देखो तो 55 है और आपका 7 आ गया, तो एक साथ आ रहा है। तो यहाँ पर एक बी आर टैग लगाते हैं, तो लो यहाँ पर मैंने लगा दिया बी आर, ओके, स्पेस भी लगा सकते हो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर मैंने बी आर लगा दिया। अब आप देखो सेव करो इसको और देखो 55 एंड 7 आ गया। अब यहाँ पर मैं बोला था आपको कि यहाँ पर आप जितना पैरामीटर लिए हो सेम पैरामीटर यहाँ भी होना चाहिए, अगर एक भी पैरामीटर मिस हुआ तो क्या हो जाएगा आपका आंसर गलत चला जाएगा, तो चलो ये भी चेक कर लेते हैं। तो इसको मैं करता हूँ, एक पैरामीटर को हटा दिया मैंने यहाँ से और देखो पहले ही यहाँ पर रॉन्ग दिखा रहा है, तो आगे जाने का मूव करने का कोई फायदा नहीं है, तो यहाँ पर करो डॉलर बी। अब मैं बता रहा हूँ यहाँ पर मैंने बस लिया था, डिफरेंट क्यों लिया था कि आपके समझने के लिए, अगर मैं यहाँ पर सेम भी कर दूँ तो क्या आएगा, ये रॉन्ग नहीं जाएगा, तो चलो सेम करके दिखाता हूँ। तो डॉलर ए हो गया, डॉलर बी हो गया, कॉपी करता हूँ इसको मैं, बस ये आपको फर्स्ट टाइम दिखाने के लिए किया था कि इससे कोई दिक्कत नहीं, अगर डिफरेंट भी लेता हूँ तो सेम भी कर रहता हूँ कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ मैं करता हूँ पेस्ट, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ चेंज करना होगा, सॉरी सम करना होगा, हाँ देखो तो यहाँ भी तो चेंज करना होगा मुझे, क्लियर। तो इसी तरह अब यहाँ पर क्या करना होगा मुझे, यहाँ पर करना होगा प्लस, तो इसी तरह आप देखो मैं इतना चेंज कर दिया, तो अब तक कोई आपको रॉन्ग का मैसेज नहीं आया, अभी भी ठीक है, यहाँ पैरामीटर चेंज भी कर सकते हो आप, तो यहाँ पैरामीटर चेंज करके देखता हूँ मैं, तो 45 रखता हूँ, सेव करता हूँ और देखो आपका आउटपुट क्या आता है।
तो देखो आपका आउटपुट एकदम सही जा रहा है। कहने का मतलब है कि ये जो पैरामीटर है बस काउंटिंग में सेम होना चाहिए, वो मतलब कहने का मतलब है कि काउंटिंग हमेशा परफेक्ट होना चाहिए। वैसे अब जो लिखना है वो लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये रॉन्ग आंसर नहीं आने वाला। तो काउंटिंग आपका क्या होना चाहिए, हमेशा परफेक्ट होना। दो यहाँ पर है तो यहाँ भी दो पैरामीटर हमेशा रहना चाहिए, क्लियर। तो यहाँ आपका ये कंप्लीट होता है और अगले में फिर मिलेंगे हम लोग। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज ए डेवलपर के लिए, अगर आप डेवलपर फील्ड में जा रहे हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको अच्छे से समझ लेना। क्योंकि जब आप ई कॉमर्स वेबसाइट वगैरह डेवलप करोगे किसी फ्रेमवर्क पे, तो इसका यूज बहुत बार आने वाला है। तो आप समझ गए कि ये इंटरफेस क्या है, इंटरफेस किस तरह से डिफरेंट है और उससे क्या। तो इंटरफेस में क्या होता है, इंटरफेस में होता है कि एक से ज्यादा पेरेंट रहेंगे और चाइल्ड से क्या होगा, वो जो प्रॉपर्टी लेना है, जैसे कि आपका पहले होता था एब्स्ट्रैक्ट में वैसा हो सकता है, लेकिन अब क्या होगा, उसमें सिर्फ वन पेरेंट वन चाइल्ड होता था, यहाँ मोर देन वन पेरेंट रहेंगे और चाइल्ड रहेगा। और डिफरेंस आपको मैं बता दिया हूँ सारा, तो फिर वीडियो को अच्छे से देखो और प्रैक्टिस करो। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।